पूरा देश में ब्लैक मार्केटिंग आउट ऑफ मार्केट कर दिया है सुई को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपके एम्स के डायरेक्टर लिख के देते हैं ये जो दवाई है रेमडेसिविर ये कारगर नहीं है, एनएमसीएच के डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट लिख के देते हैं नहीं लिखना है, उसके अलावे रिमेनिंग है पप्पू यादव के पास, उसके अलावे दूसरी सुई है और मैं देने को तैयार हूं, लेकिन एक भी डॉक्टर रेमडेसिविर के अलावे दूसरा सुई का नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि सिर्फ रेमडेसिविर में ही पैसा अधिक बचत है, ब्लैक मार्केटिंग है और दवाई में पैसा बचत नहीं है। जो एजेंसी है या जो सिप्ला के कुछ लोग हैं और जिसकी यहां सीएनएफ लिया हुआ है जो लोग, उनसे मिलकर और कुछ पदाधिकारी की गठबंधन से पूरा आउट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग हो गई। जिस अस्पताल को दिया जा रहा है वह अस्पताल के लोग भी उसको ब्लैक मार्केटिंग में दे रहे हैं और वो सुई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है उसके अटेंडेंट नहीं है और कह दिया जा रहा है कि सुई दे दी गई। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, यदि आप हिंदुस्तान के लोगों की सुई देकर के हिफाजत नहीं कर सकते हैं, सिप्ला कंपनी गुजरात के महाराष्ट्र से पप्पू यादव को फोन आ रहा है हमको रेमडेसिविर दिलवा दीजिए हम मर जाएंगे, नोएडा से गाजियाबाद से कई बड़ी बड़ी संस्थाएं और चैनल ने फोन किया हमारे यहां जी न्यूज से लेकर के G24 के हालात अच्छे नहीं है, दिल्ली से और कोई सुनने वाला नहीं। सुई रहते हुए अस्पताल में सुई नहीं पड़ता है पेशेंट को, एनएमसीएच की स्थिति त्राहिमाम है और वहां ऑक्सीजन भी रात में जो ऑक्सीजन भर के आता है वो ऑक्सीजन गायब हो जाता है, खाली जो सिलेंडर है उसको लगा दिए जाते हैं ऑक्सीजन लगाकर।